हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का फेस रूल का जो टॉपिक है इस कम्प्लीट करेंगे। ये टॉपिक मैंने एमएससी फर्स्ट सेम से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस रूल की डेफिनेशन देख लेंगे, ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक है, तो देखिएगा, हेटरोजीनियस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोजिशन एंड फेस के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए? हेटरोजीनियस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोजिशन एंड फेस के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जी डब्ल्यू गिब्स ने, एक वैज्ञानिक थे जी डब्ल्यू गिब्स, एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिज्यू किया। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? गिब्स फेस रूल कहा जाता है। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिएगा। तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है एफ बराबर सी माइनस प्लस पी प्लस जेड। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ प्लस पी बराबर सी प्लस जेड। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है कि इसमें जो है पी का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फेस, एफ बराबर कह रहे हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सी बराबर होता है इसमें कंपाउंड। अब आगे देख लेंगे, आगे कह रहा है किसी भी हेटरोजेनियस सिस्टम की इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ फेस का सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट से दो अधिक होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं दिस रूल इज फॉर फॉलोइंग थ्री कंपाउंड सिस्टम। तो इसके थ्री कंपाउंड सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, इसमें कह रहा है टू वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर। तो सबसे पहले हम फॉर वन कंपाउंड सिस्टम के लिए पढ़ेंगे क्या कह रहा है इसमें। तो देखिएगा, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस जेड, इसमें जो है एच टू मोलिकुल से हम इसमें क्रिया कराएंगे। तो देखिएगा, तो ये इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा, आप इसे अच्छे से जो है इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप, और ये किस तरह से निकल के आ जाएगा देखिए यहाँ पे। अब हमें इसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो वन कंपाउंड के लिए सिस्टम, तो देखिएगा एफ बराबर जैसे कि ये दिया गया है, तो इसके मान इस तरह से हमें लिख लेना है। ठीक है, अब मान निकालने के बाद हमें यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ए जीरो, दिस ग्राफ इज कॉल्ड पीटी। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर कर्व कहा गया है इसे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, सबसे पहले हम इसे मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो एफ क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो को हम इससे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, कंपाउंड है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, एक है। ठीक है, तो माइनस का माइनस, और ये क्या है, फेस है, तो फेस हमारे पास कितने हैं, तीन है, वेपर है, लिक्विड है और सॉलिड है। ठीक है, तो हमें इसे तीन से, और ये जेड यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर जो भी सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जीरो, दिस ग्राफ इज कॉल्ड, ठीक है, पीटी। तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व ये हमें मिल जाएगा। फिर आगे देखेंगे, फिर फोर टू कंपाउंड सिस्टम। ठीक है, तो इसे सेम इस तरह से ही हमें प्रदर्शित करना है। और फिर क्या कह रहा है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें इस तरह से आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसमें, दिस इज ग्राफ इज कॉल्ड सीटी एंड कंपोजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है हमें उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फोर थ्री कंपाउंड सिस्टम, तो इसमें भी सेम जो है हमारा फेस रूल का जो इक्वेशन है वो हमें लिख लेना है यहाँ पे। और फिर हमें यहाँ पे सी पी बराबर क्या है, एट कॉन्स्टेंट टी एंड पी है। ठीक है, इसमें जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, टी और पी है। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको ये डायग्राम बना लेना है। और फिर टाइप्स क्या है, थ्री देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर थ्री कंपाउंड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो काफी इजी सा टॉपिक है गाइस, आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज यहाँ को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू।